बिहार के अररिया में पुल उद्घाटन होने के पहले ही पुल भरभराकर गिर गया है। बिहार में इस पुल के गिरने के बाद राजनीति काफी तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है। 12 करोड़ का यह पुल पानी का तेज बहाव तक नहीं झेल सका। इस बहते पुल को देखकर तो ये लग रहा है कि सरकारी खजाने में कितना पैसा है कि पानी में बह जा रहा है। दरअसल आज एक बार फिर से बिहार का एक पुल पानी में बहता दिखा, जो कि 12 करोड़ की लागत से बन रहा था। अभी पूरा बनना बाकी ही था कि इससे पहले 16 पाया वाला पुल का 2 पाया पानी की बहाव में बह गया। वैसे तो बिहार वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आए दिन बिहार से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जब कोई पुल नेताजी के उद्घाटन से पहले ही पानी में बह जाता है। नया मामला बिहार के अररिया जिले का है, जहां बाकरा नदी के पड़िया घाट पर बन रहा पुल आज दोपहर को देखते देखते ही पानी की धार में बहता चला गया। पुल गिरने का वीडियो जब से सामने आया, तब से लोग सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े करने लगे। हम आपको बता दें कि साल 2021 से बाकरा नदी के पड़िया घाट पर पुल बनने का काम शुरू किया गया था। 12 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल को किशनगंज के ठेकेदार सिराजुर रहमान बना रहे थे। यह पुल 2022 में ही बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अभी भी अप्रोच पथ यानी कि इस पुल को आसपास के सड़कों से जोड़ना बाकी था, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी था। लेकिन नया पुल आसपास के सड़कों से अपना नाता जोड़ता, इससे पहले ये पुल खुद ही टूटकर गिर गया। घटनास्थल पर पहुंचे सिकटी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय कुमार मंडल बताते हैं कि कैसे इस पुल के पिलर्स अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए, जिसका खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। विधायक जी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। ये देखिए, 12 करोड़ के लागत से ये पुल बन रहा था और अभी अप्रोच बनना बाकी था, और हम लोग जो है पिछले महीने में जो है स्कूटी 22 मई को स्कूटी को भी बुलाए थे, जेई एई सब लोग आए थे, स्कूटी भी आए थे और ठेकेदार भी आया था, और तभी वो जो है कुछ लग रहा था कि जो ये काम सही नहीं किया है, क्योंकि हम जो पूछे तो कहा जो ना ना ठीक है सब काम, उसी दिन हम पूछे भी थे तो काम ठीक से किए हो ना जी। और जब अभी पुल टूटा है तो हम लोग को पता चला कि जो ये जो है मिट्टी पर से ही जो है पाइल को खड़ा कर दिया। प्रशासन से बात हुई है, उन्हें स्कूटी से कहा है कि जो आप जो है फौरन इस पर जो है कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए और उन लोग पर कार्रवाई कीजिए जो लोग इसमें संलिप्त हैं। विधायक जी अपने पूरे बयान में पुल गिरने की वजह खराब कंस्ट्रक्शन को बताकर अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर विधायक जी को जब पहले से पता था कि पुल निर्माण का कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो विधायक जी ने सवाल खड़े क्यों नहीं किए। हम आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बिहार में कोई पुल शुरू होने से पहले ही गिरा हो। इससे पहले भी बिहार में कई पुल ऐसे ही उद्घाटन से पहले पानी में बहते दिखे हैं। पिछले साल ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेगा प्रोजेक्ट माने जाने वाला अगवनी सुल्तानगंज ब्रिज, जो कि भागलपुर खगड़िया को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, वो भी पिछले साल जून में उद्घाटन से पहले ही गिर गया, जिसके वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में इतनी कमजोर पुल क्यों बन रही कि जून के महीने में शुरू होती नदियों की धार को नहीं रोक पा रही हैं। इस पुल के गिर जाने से आसपास के लोगों की परेशानियां कुछ और दिनों के लिए बढ़ गई हैं। बहरहाल अधिकारी ने बताया है कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।